हाय गाइस, इट्स मी रविंदर कौर एंड वेलकम टू माय आर्ट चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्यूटीफुल सी बेज कलर की शीट, और इसे यूज़ करके मैं बनाऊंगी अपनी मॉम के लिए एक बर्थडे ग्रीटिंग कार्ड। तो मैंने शीट को पहले हाफ में फोल्ड किया और कुछ रैंडम सी उस पर ड्राॅइंग बना दी, कुछ सर्कल्स बनाए, और इन सर्कल्स को बनाते बनाते मैंने सोचा क्यों ना इसको एक सिंपल से रोजेस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो मैंने लिया ओहू का मार्कर लाइट पिंक कलर और उसे फिल कर दिया इन सर्कल्स के अंदर, एंड देन आई यूज्ड न्यूट कलर। और फिर मैंने ना ये बनाते बनाते सोचा क्यों ना इस पूरे कार्ड को एक पेस्टल लुक ही दी जाए। और फिर मैंने ना कुछ और सर्कल्स भी ड्रॉ करे, कुछ और रोजेस भी बनाऊंगी। और फिर मैंने सोचा जब रोजेस बना ही रही हूँ तो क्यों ना कुछ और फ्लावर्स भी बनाए जाए। तो मैंने पहले सिंपल से फ्लावर्स बनाए पेंसिल के साथ, और मैं यहाँ पे ना अलग अलग तरीके के फ्लावर्स बना रही हूँ। और फिर फ्लावर्स बनाते बनाते मैंने देखा कि जो साइड्स पे एम्प्टी स्पेस है क्यों ना वहाँ पर कुछ लीव्स बनाई जाएं। तो ऐसे बनाते बनाते मेरा ऑलमोस्ट हाफ जो कार्ड है वो तो कवर अप हो ही गया। और हाँ गाइस, जो साइड की स्पेस है उसको मैंने थोड़ा सा एम्प्टी रखा है क्योंकि वहाँ पे मैं हैप्पी बर्थडे मॉम लिखने वाली हूँ। तो जो मैंने फ्लावर्स बनाए हैं उस पर मैंने अलग अलग पिंक कलर के जो शेड्स है वो करने स्टार्ट कर दिए, ये थोड़ा सा डार्क पिंक है। और जो रोजेस बनाने के लिए मैंने सर्कल्स में पिंक कलर करा था वो थोड़ा सा लाइट कलर था। यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल से फ्लावर्स बना रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होता कि हम हर बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दें या यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कलर्स डाल दूँ, नहीं। अब फिर यहाँ पे जो खाली स्पेस थी मैंने कुछ और लीव्स ऐड करी, अब इनमें मैं भर दूंगी ग्रीन कलर। और जो बीच बीच में मैंने सर्कल्स बनाए हैं उनमें मैं येलो कलर कर दूंगी। एंड सी गाइस, आप जस्ट मार्कर्स की हेल्प से कितना ब्यूटीफुल कार्ड बना सकते हो, और ये कार्ड ना बहुत जल्दी बन जाता है। और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ जिक का गोल्डन मार्कर। मार्कर पेन्स को हमेशा यूज़ करने से पहले अच्छे से शेक करें, वो भी कैप लगाकर। एंड सी गाइस, इसकी जो शाइन है मार्कर की कितनी प्यारी आती है। और अब बस मैं यहाँ पे एक रोज़ की लुक दे रही हूँ, टेढ़ी मेढ़ी जलेबियों की तरह लाइंस बनाती जा रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स वेरी इजी, इसे कोई भी बना सकता है। और बस फिर जैसे यहाँ पे मैं लाइंस बना रही हूँ वैसे ही मैं बाकी सर्कल्स में बना दूंगी और उन्हें रोज़ का लुक दे दूंगी। एंड सी गाइस, बिना कुछ ज़्यादा डिटेलिंग किए, बिना कुछ ज़्यादा हौच पोच किए, कितने सिंपल तरीके से जो रोजेज है वो रेडी भी हो गए। और अब ऐसे ही जो बाकी के फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, उनमें मैं डिटेलिंग कर दूंगी, वही गोल्डन पेन से आउटलाइन कर दूंगी और बीच बीच में कहीं कहीं पे कुछ लाइंस डाल के उनमें डिटेलिंग दूंगी। और गाइस, अगर आपके पास जो मार्कर पेन है वो नहीं है तो डोंट वरी, आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो पोस्टर कलर, गॉच कलर्स, इवन सॉफ्ट पेस्टल्स, ऑयल पेस्टल्स, जो आपका मन हो, लेकिन शीट के अकॉर्डिंग यूज़ करना ताकि वो शीट को ख़राब ना करें। एंड सी गाइस, इट्स ऑलमोस्ट रेडी, लेकिन अभी और वर्क है इसमें। तो पहले जो साइड्स की लाइंस है वो मैं इरेज कर रही हूँ, और वहाँ पर मैं बनाऊँगी कुछ रैंडम सी लाइंस, और क्योंकि बॉर्डर जो है वो मेरे को बहुत ही खाली सा लग रहा था तो वहाँ पर आड़ी टेढ़ी लाइंस बनाई। और फिर जो साइड की खाली स्पेस थी वहाँ पर मैंने लिख दिया हैप्पी बर्थडे मॉम। और हाँ, फिर उसके नीचे ना मैंने क्यूट सा लिटल सा हार्ट भी बना दिया। और फिर मैंने जल्दी जल्दी जो मेरी थोड़ी बहुत डिटेलिंग रह गई थी मैंने वो भी कर दी, और अब ये कार्ड बनके है रेडी। एंड सी कितना डिसेंट, सिंपल और ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसके अंदर ना मैंने बहुत ही प्यारा सा मैसेज लिखा फॉर माय मॉम। और आप सबको ये कार्ड कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।